अब लाइव स्टार्ट हुआ है। नाउ आई एम लाइव। काफी देर बाद लाइव स्टार्ट हुआ। ऑडियो क्लियर है क्या? वीडियो तो। गुड इवनिंग कीर्ति कुमारी जी, इज एवरीथिंग क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। चेतन जी गुड इवनिंग, अदिति जी गुड इवनिंग, सभी लोग आ जाइए। देखिए पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। हमने क्या क्या डिस्कस किया था? सॉलमन की डेफिनेशन, ऑल गुड, यस यस। देखो हम ये सब देख चुके थे, एक बार रैपिडली देख लेते कि हम क्या क्या देखा था। लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है, ये एक तरह का क्या है, सिविल रॉन्ग है, ये कौन से वर्ड से आया था? टॉर्टम लैटिन वर्ड से आया था। इसका मीनिंग क्या होता है? टू ट्विस्ट। सॉलोमन की डेफिनेशन हमने देखी थी, फ्रेसर की डेफिनेशन देखी थी, लिमिटेशन एक्ट वाली डेफिनेशन भी हमने देख चुके हैं। टॉर्ट क्या है? टॉर्ट इज अ प्राइवेट रॉन्ग, क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग, ये सारे डिफरेंसेस हम देख चुके हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट में हमने डिफरेंस देखा है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट्स हम देख चुके हैं। इंजुरा साइन, डैमनम, डैमनम साइन, इंजुरिया क्या है, एशबी वर्सेस वाइट, ग्लॉसेस्टर ग्रामर, स्कूल वाला केस, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पीछे स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है। आप प्रिया जी, आप सेटिंग्स में जाके इसको 720p कर लीजिए, 720p कर लीजिए, ठीक है? बाकी सबको क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करिए कि, क्योंकि मुझे तो क्लियर दिख रहा है, मैं भी देख रही हूँ, मुझे क्लियर दिख रहा है। फिर हमने मेंस्रिया के थ्री फॉर्म्स देखे थे, इंटेंशन, रैशनेस और नेग्लिजेंस। ओके निर्भय जी वेलकम। जी मैम ठीक है। ये मैलिस के काइंड्स भी हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं जनरल डिफेंसेस अगेंस्ट टॉर्टियस लाइबिलिटी। आज हम क्या देखेंगे? जनरल डिफेंसेस हम देखने वाले हैं। तो बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे जनरल डिफेंसेस होते हैं। अंडर सर्टेन कंडीशंस एन एक्ट सीजेस टू बी, क्या हो जाता है? जो एक्ट हम कर रहे हैं, एक्ट क्या हो जाता है? रॉन्गफुल नहीं होता है, वो रॉन्गफुल नहीं होता है, सीजेस टू बी रॉन्गफुल। ऑल दो इन द एब्सेंस ऑफ दोज कंडीशन द सेम क्या हो जाएगा? वो रॉन्ग हो जाएगा। अंडर सच कंडीशन इट इज सेड टू बी, वो क्या हो जाता है? जो हमारा जो एक्ट है वो क्या हो जाता है? एक्सक्यूजेबल बाय लॉ हो जाता है, जस्टिफाइड बाय लॉ हो जाता है। दोज कंडीशंस विच एक्सक्यूज और जस्टिफाई, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हमने टॉर्ट में टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यस मैम क्लियर। ओके थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन चेतन जी। उसको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरी है वो? फर्स्ट है दोज कंडीशंस विच एक्सक्यूज और जस्टिफाई सम स्पेसिफिक टॉर्ट। उस अगर कोई स्पेसिफिक टॉर्ट को वो क्या करता है, एक्सक्यूज करता है या फिर जस्टिफाई करता है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट कैटेगरी में चले जाएगा। बट डज नॉट एक्सक्यूज और जस्टिफाई टॉर्ट्स जनरली, जो जनरल टॉर्ट्स है उसको वो एक्सक्यूज नहीं कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा क्या है? ट्रूथ एंड फेयर कमेंट। ट्रूथ एंड फेयर कमेंट जो है किसका है? डेफेमेशन का क्या है? डेफेमेशन का क्या है? ये एक्सक्यूजेबल वो है, एक्सक्यूज हो जाता है ये, अगर किसी ने क्या किया है? फेयर एंड ट्रूथ कॉमेंट किया है। अच्छा मुझे बताइए डेफेमेशन का और क्या एक्सेप्शन है? डेफेमेशन का और क्या एक्सेप्शन हो सकता है? आप लोग मुझे बताइए कि डेफेमेशन का और क्या एक्सेप्शन हो सकता है? टेन है टोटल आईपीसी में। यस आईपीसी में क्या है? आईपीसी में टोटल कितने हैं? टेन वो दिए हैं एक्सेप्शन। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर मैंने कुछ डेफेमेशन किया है, किसी
डेफेमेशन मैंने अपनी मेरी एक पर्सनल डायरी में मैंने एक बहुत सारा लिख के रखा है, निर्भय जी, चेतन जी, श्रुति जी, आयुष जी, सबके बारे में मैंने अपनी डायरी में नोट करके लिखा है, और अभी इसको मैंने पब्लिक नहीं किया है, इसको मैंने पब्लिक नहीं किया है, तो फिर ये डेफेमेशन हो गया क्या? डेफेमेशन हो गया क्या फिर उस वाले कैटेगरी में? ये कल क्वेश्चन भी आया था, ये कल क्वेश्चन में भी आया था, नहीं नहीं हुआ। तो ये अगर क्या है, ये क्या है, जस्टिफाई हो गया, तो ये क्या है, स्पेसिफिक टॉर्ट के लिए क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया, वेरी गुड। सेकंड क्या है, सेकंड वो कंडीशन से जो कि क्या है एप्लीकेबल टू ऑल टॉर्ट्स, तो सारे ही टॉर्ट्स पे क्या होता है, नो मैम इट इज नॉट, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। अगर सेकंड कंडीशन में क्या है कि एप्लीकेबल टू ऑल टॉर्ट्स इक्वली, सारे टॉर्ट्स में वो क्या होता है, इक्वली अप्लाई होता है, जैसे कि डिफेंस ऑफ कंसेंट कैन एक्सक्यूज एनी टॉर्ट। अगर कंसेंट है, कंसेंट वाला हमने कौन सा मैगजीन देखा था, कंसेंट से रिलेटेड मैगजीन बताइए मुझे, कौन सा मैगजीन है वो कंसेंट वाला? कौन सा? द सेकंड कैटेगरी कवर्स दोस रूल्स ऑफ इम्यूनिटी व्हिच लिमिट द रूल्स ऑफ लाइबिलिटी इन जनरल एंड आर कॉल्ड जनरल एक्सेप्शन। उसको हम क्या बोलने वाले हैं, जनरल एक्सेप्शन, उसको हम बोलेंगे, जनरल एक्सेप्शन ही ये कैटेगरी में आ जाएगा। जल्दी से बताइए कंसेंट से रिलेटेड कौन सी मैगजीन है अपनी, कंसेंस एडेटम, वॉलेंटिया, वॉलेंटिया, नॉन फिट इंजूरिया, ये मैगजीन देखा था अपन ने कल, और ये क्या है, ये क्या है, एक तरह का डिफेंस हम ले सकते हैं, वॉलेंटिया, नॉन फिट इंजूरिया। चेतन जी बोल रहे हैं नो। 87 बिल्कुल, ये क्या है, सेक्शन 87 ऑफ आईपीसी। अब देखो दो टाइप के डिफेंस की बात कर रहे, स्वाति जी ने बिल्कुल राइट आंसर बोला है, दो टाइप के डिफेंस की हम बात कर रहे हैं, एक तो हम बात कर रहे हैं कि जनरल डिफेंस होते हैं, और एक होता है स्पेशल डिफेंस, स्पेसिफिक डिफेंस की हम बात करने वाले हैं, जनरल डिफेंसेस एंड स्पेशल डिफेंस या फिर स्पेसिफिक डिफेंस की हम बात करेंगे। जनरल डिफेंसेस क्या होते हैं, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द टॉर्ट। टॉर्ट का नेचर क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है, सारे टॉर्ट्स पे क्या होता है वो एप्लीकेबल होता है, और जो स्पेशल डिफेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, नेचर ऑफ द टॉर्ट पे डिपेंड करते हैं, और वो सिर्फ स्पेसिफिक टॉर्ट के ऊपर ही क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। अब अपन कुछ जनरल एक्सेप्शंस पढ़ने वाले, जो कि क्या है, जनरल डिफेंसेस जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहला हमारा सबसे पहला डिफेंस क्या है, वॉलेंटिया नॉन फिट इंजुरिया, वॉलेंटिया नॉन फिट इंजुरिया, कंसेंट या फिर हम लीव ले रहे हैं या फिर लाइसेंस ले रहे हैं, तो पहला वाला जनरल डिफेंस तो हमारा क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल डिफेंसेस की कैटेगरी है ये। तो पहला हमारा क्या हो गया, वॉलेंटियर नॉन फिट इंजूरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सेकेंड है हमारा एक्ट ऑफ गॉड, थर्ड है इनएविटेबल एक्सीडेंट, इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, फोर्सी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है नेसेसिटी, प्राइवेट डिफेंस, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेसेसिटी और प्राइवेट डिफेंस। तो कौन कौन से हमारे पास जनरल डिफेंसेस है, वॉलेंटियर नॉन फिट इंजुरिया, एक्ट ऑफ गॉड, इनएविटेबल एक्सीडेंट, नेसेसिटी, प्राइवेट डिफेंस, और क्या है, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल एक्ट, प्रेंटिव द रॉन्ग डूअर, ये सारे हमारे क्या है, जनरल डिफेंसेस की कैटेगरी में ये है। तो अब अपन एक एक जो भी डिफेंसेस है, एक एक जो भी डिफेंसेस है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में। सबसे पहला है वॉलेंटिया नॉन फिट इंजुरिया, वॉलेंटिया नॉन फिट इंजुरिया का मतलब क्या होता है कि हम क्या करें, हमारी स्वेच्छा से हम क्या करें, कोई सा हम क्या करें, वॉलेंट्री हम एक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, वॉलेंटिया नॉन फिट इंजुरिया। आईपीसी का सेक्शन हमारा क्या है, आईपीसी का सेक्शन 87 है। इसमें एज क्या दी है, आईपीसी में एज क्या दी है वॉलेंटिया नॉन फिट इंजुरिया के लिए बताइए, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म हमारा क्या है, 18 इयर्स, 18 इयर्स
करेक्ट आंसर है कि 18 ईयर्स के अगर कोई पर्सन जो भी 18 ईयर्स के अबाव है और वो क्या करता है वॉलेंटरीली कोई हार्म अपने ऊपर ले रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा वॉलेंटियर नॉन फिट इंजरी में आ जाएगा। मैक्सिम इज बेस्ड ऑन द कॉमन प्रिंसिपल, इफ आई इन्वाइट यू टू माई हाउस कैन आई सी यू फॉर ट्रेसपास। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको अपने घर पे बुला रही हूँ तो फिर मैं ट्रेसपास आपके ऊपर लगा सकती हूँ क्या। एज ऑफ मेजोरिटी, बिल्कुल आंसर क्या है इसका, नो बिकॉज आई हैव कंसेंटेड टू यू एंट्री अपॉन माई लैंड, बट इफ अ गेस्ट हु इज टू बी एंटर्ड इन द ड्रॉइंग रूम एंटर्स इन टू माई बेडरूम। मैंने उसको क्या बुलाया था, ड्रॉइंग रूम में बुलाया था, बट वो क्या हो जाता है बेडरूम में आ जाता है विदाउट माई परमिशन, तो फिर वो क्या हो जाएगा ट्रेसपास हो जाएगा। अब कंसेंट जो है, कंसेंट को इन्होंने दो टाइप से डिवाइड किया है। एक कंसेंट क्या होती है हमारी, एक्सप्रेस कंसेंट होती है, और एक हमारी होती है इम्प्लाइड कंसेंट। एक्सप्रेस कंसेंट और इम्प्लाइड कंसेंट से हम क्या समझ रहे हैं, जिसको हमने एक्सप्रेसली बोल के कर रहे हैं, बोल के या लिख के हम कर रहे हैं, तो वो कंसेंट कैसे हो जाएगी हमारी, एक्सप्रेस कंसेंट हो जाएगी। बट जैसे हमारा क्या है, मेरा और जैसे जैसे मेरे किसी फ्रेंड का क्या है, रोज हम लोग क्या करते हैं आपस में बुक्स का क्या करते हैं लेन देन करते रहते हैं, हम बुक्स ऑलमोस्ट टाइम हम क्या करते हैं एक्सचेंज करते रहते हैं, तो फिर वो मुझसे बार बार थोड़ी ना पूछेगा कि बुक लेना है कि नहीं बिल लेना है। वो कंसेंट कैसी हो जाएगी, इम्प्लाइड कंसेंट हो जाएगी। वो कंसेंट कैसी मानेंगे अपन, इम्प्लाइड कंसेंट उसको मानेंगे। इन डॉक्टर लक्ष्मण बालकृष्णन वर्सेस त्रिंबक बापू इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था इफ अ डॉक्टर डज नॉट अप्लाई ड्यू केयर ड्यूरिंग द ऑपरेशन। एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन में उसको क्या रखना है, ड्यू केयर रखना है, ड्यू केयर एंड कॉशन उसको रखना है, और अगर डॉक्टर नहीं रखता है तो ही विल बी लाइबल इवन इफ द पेशेंट्स कंसेंट फॉर सफरिंग लॉस ड्यूरिंग ऑपरेशन। अब देखो जब आप ऑपरेशन कराने जाते हो तो आप क्या करते हो, एक कंसेंट फॉर्म भरते हो, कंसेंट फॉर्म भरते हैं क्या, और ये जैसे मूवी सीरियल रहते हैं ना अपने, मूवी टीवी जो रहते हैं इसमें काफी ज्यादा दिखाते हैं कि वो क्या करते हैं कि एक व्यक्ति है जो मेन हीरोइन है वो क्या है डेथ बेड पर है और कंसेंट फॉर्म लिखना पड़ रही है, और फिर जो हीरोइन है वो बहुत रोते रोते कंसेंट फॉर्म भरती है। तो उसमें कंसेंट फॉर्म में क्या लिखा रहता है कि अगर कुछ भी पेशेंट को हो जाता है तो हम इसके क्या होंगे, जिम्मेदार नहीं होंगे, ये लिखा रहता है। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि डॉक्टर को लाइसेंस मिल गया नेग्लिजेंस करने का, डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंसी कर सकता है क्या, मेडिकल नेग्लिजेंसी डॉक्टर नहीं कर सकता है, उसको क्या करना पड़ेगा, ड्यू केयर एंड कॉशन रखना पड़ेगा। ही विल बी लाइबल इवन इफ द पेशेंट्स कंसेंट, इन दिस केस पेशेंट डाइड बिकॉज प्रॉपर प्राइमरी केयर उसको नहीं दिया था एंड वॉज नॉट टेकन वाइल गिविंग एनेस्थीसिया, उसको एनेस्थीसिया भी नहीं दिया था, ये इस केस में बोला गया था। इस केस को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब वॉलेंटियर नॉन फिट इंजुरिया के एसेंशियल कंडीशंस क्या होते हैं, एसेंशियल कंडीशंस क्या होते हैं हम देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है, कंसेंट मस्ट बी फ्रीली गिवन। कंसेंट कैसे होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो वहां पर आपने क्या देखा होगा कि कंसेंट हमेशा कैसे होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अंड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सबसे आपकी जो कंसेंट है वो क्या होना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निर्भय जी, ठीक है, तो कंसेंट हमेशा क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। नेक्स्ट केस है हमारे पास व्हाइट वर्सेस ब्लैकमोर। व्हाइट वर्सेस ब्लैकमोर के केस में क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ हस्बैंड पेड फॉर द एडमिशन ऑफ हिज फैमिली फॉर विटनेसिंग अ कार रेस। एक कार रेस होने वाला था, एक कार रेस होने वाला था, और प्लेंटिफ ने क्या किया, इसके एडमिशन के लिए हस्बैंड ने फीस पे किया। कार रेस में क्या हुआ, ड्यूरिंग द कार रेस गॉट इंटेंगल्ड इन द सेफ्टी रोप। एक सेफ्टी रोप था, उसमें क्या हो गया, उसकी कार क्या हो गया, फंस गई, एंड द प्लेंटिफ वॉज कैटेबिलिटेड सम 20 फीट एंड डाइड कॉन्सिक्वेंटली। 20 फीट तक उसको क्या किया, ऐसे घसीटते हुए कार ले गई और उसकी वजह से उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। इट वॉज हेल्ड दैट द डिसीज्ड डिड नॉट हैव फुल नॉलेज, उसको क्या था, फुल नॉलेज नहीं था ऑफ द रिस्क ही वॉज रनिंग फ्रॉम द फॉल्टी लेआउट ऑफ द रोप्स। जो रोप्स रोप्स में क्या था, फॉल्टी रोप्स थे, उसकी वजह से उसको क्या, उसका उसकी डेथ हो गई और उसको उस चीज का फुल नॉलेज नहीं था। तो इसने क्या किया, ही डिड नॉट विलिंग एक्सेप्ट द रिस्क। ये वॉलेंटियर नॉन फिट इंजुरिया में जाएगा क्या, मुझे बताइए, वॉलेंटियर नॉन फिट इंजुरिया में जाएगा क्या ये,
जाएगा कि नहीं जाएगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, व्हाइट वर्सेस ब्लैक मोर के केस में क्या हुआ था? नो, नहीं जाएगा, क्योंकि उसको क्या था, फुल नॉलेज उस चीज का नहीं था, और उसने विलिंगली उस चीज को क्या है, एक्सेप्टेंस नहीं किया था, विलिंगली उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। Does the maximum warranted non-fit injury applies two things? ये क्या कर रहा है? Two things को apply कर रहा है। Knowledge that risk is there. Knowledge क्या है कि यहाँ पे क्या हो सकती है? Risk भी है, risk है. Knowledge of risk and voluntary acceptance of the risk. दो चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें उस चीज का क्या होना चाहिए? Knowledge होना चाहिए। अब मुझे एक छोटा बच्चा है, उसे पता ही नहीं है कि आग में मैं क्या हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। उसे पता है क्या? उसे नहीं पता है। तो उसे उस चीज का तो पहले नॉलेज ही नहीं है। उसको पहले क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, और फिर उसको उसने वॉलेंट्री जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर वॉलेंटियर नॉन फिट इंजरी क्या उस पे अप्लाई होगा। इतना चीज समझ में आई? अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, वॉलेंटियर नॉन फिट इंजरी के क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। देयर आर थ्री एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ वॉलेंटियर नॉन फिट इंजरी। क्या क्या एक्सेप्शन है? इसको मैं लिख देती हूँ। तो देयर आर थ्री एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ वॉलेंटियर नॉन फिट इंजरी। सबसे पहला क्या है? एम्प्लॉयमेंट रिलेशन। अगर एम्प्लॉयमेंट रिलेशन है मैम, नॉलेज ऑफ डिग्री ऑफ रिस्क कह सकते हैं इसमें मैम, नॉलेज ऑफ डिग्री ऑफ रिस्क कह सकते हैं। हाँ, नो, उसका जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो उसका आपको क्या होना, नॉलेज होना जरूरी है। बिल्कुल कीर्ति जी सही बोल रहे हैं कि जो डिग्री ऑफ रिस्क है उसका हमें नॉलेज होना जरूरी है। बिल्कुल कह सकते हैं इसको आप ऐसा। हाँ देखो, इस वाले केस में उसको डिग्री ऑफ रिस्क नहीं पता था। इस वाले केस में डिग्री ऑफ रिस्क कितना है ये नहीं पता था। रिस्क है ये पता था, बट इतना ज्यादा डिग्री ऑफ रिस्क है ये उसको नहीं पता था, इसलिए ये इसमें कवर्ड नहीं हुआ था। चलो, तो सबसे पहला हमारा क्या है? एम्प्लॉयमेंट रिलेशन। सेकेंड है हमारा रेस्क्यू केसेस, और थर्ड है हमारा ड्रंकन ड्राइवर्स। ये तीनों ही क्या है, वॉलेंटियर नॉन फिट इंजरी के एक्सेप्शन में है। अगर ये वाला कैटेगरी में आता है आप लोग, तो फिर वॉलेंटियर नॉन फिट इंजरी का आपको फायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस क्या होता है? एन एम्प्लॉय हु कंप्लेंड ऑफ एन अनसेफ प्रैक्टिस बट नेवर थ्रेस कंटिन्यू टू वर्क। ये क्या बोल रहा है कि अनसेफ प्रैक्टिस है, बट वो क्या करता है, कंटिन्यू टू वर्क नहीं करता है, एंड कुड नॉट ट्रूली बी सेड टू हैव वॉलेंटरीली अग्रीड टू वेव देयर लीगल राइट्स। एक एम्प्लॉय है, वो क्या बोल रहा है कि अनसेफ प्रैक्टिस है, वो कंप्लेन कर रहा है, एंड वो कंटिन्यू टू वर्क एंड कुड नॉट बी, उसको क्या वॉलेंटरीली वो अग्री कर लेता है टू वेव देयर लीगल राइट्स। उससे बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने लीगल राइट्स को क्या कर रहा हूँ, वेव ऑफ कर रहा हूँ। तो फिर वो क्या करेगा, वो इसका फायदा नहीं उठा सकता है। स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर एंड कंपनी, ये केस आया था, कौन सा केस आया था? स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर एंड कंपनी। इसमें क्या बोला गया था? इट वाज हेल्ड दैट दो द क्लेमेंट माइट हैव बीन अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ द जॉब, उसको जॉब का क्या है, खतरा, उस जॉब में जो जो भी खतरा था उसे पता था, बट हैड नॉट कंसेंटेड द लैक ऑफ केयर। जो डॉक्टर वाला हमने केस देखा था ना, वही वाला इसमें, कि उसे पता तो था बट उसने लैक ऑफ केयर की कंसेंट नहीं दी थी। ही वॉज देयर फॉर एंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेजेस। डैमेजेस उसको क्या मिलेंगे इस वाले केस में? मिलेंगे, क्योंकि उसने लैक ऑफ केयर की कंसेंट नहीं दी थी। निर्भय जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने डिनर कर लिया है। रेस्क्यू केसेस, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। रेस्क्यू केसेस, डॉक्ट्रिन ऑफ अजम्पशन ऑफ रिस्क डज नॉट अप्लाई वेयर प्लेंटिफ हैज सरेंडर
अब सेकंड वाला हमने एक्सेप्शन क्या देखा था, सेकंड एक्सेप्शन ये सारे क्या चल रहे हैं हमारे, एक्सेप्शन टू नॉन वॉलेंटियर नॉन फिट इंजुरिया चल रहा है। तो सेकंड एक्सेप्शन हमारा क्या है, रेस्क्यू केसेस। डॉक्ट्रिन ऑफ अजम्पशन ऑफ रिस्क डज नॉट अप्लाई वेयर प्लेंटिफ हैज अंडर रन एक्सीजेंसी कॉज्ड बाय डिफेंडेंट्स रॉन्गफुल मिसकंडक्ट। अब देखो मिसकंडक्ट किसका है, डिफेंडेंट मैम क्या ये PU LLB 3 ईयर के लिए भी यूजफुल है? बिल्कुल ऑनिका जी का, ऑनिका जी के लिए आंसर है कि अगर आप किसी भी LLB के किसी भी सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाला जो लेक्चर है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। टॉट्स का जो लेक्चर है आपके लिए का जो किसी भी सब्जेक्ट का आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ADPO की कर रहे हो, या लॉ से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सिलेबस तो सेम ही रहता है सभी का, तो ये आपको उसमें भी हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा ऑनिका जी। हाँ तो अपन कहाँ थे, डिफेंडेंट्स डिफेंडेंट्स रॉन्गफुल मिसकंडक्ट। देखो दो टाइप के लोग हैं, एक होता है हमारा डिफेंडेंट और एक होता है प्लेंटिफ। अगर डिफेंडेंट ने क्या किया है, कुछ रॉन्गफुल कंडक्ट किया है और कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली फेस्ड रिस्क इवन ऑफ अ डेथ टू रेस्क्यू अनादर फ्रॉम अ एमिनेंट डेंजर। अब रेस्क्यू केस में क्या होता है कि एक आदमी है, एक जैसे कि निर्भय जी को है, निर्भय जी लेते हैं, निर्भय जी काफी क्या है बहादुर व्यक्ति है, निर्भय जी ये काफी बहादुर व्यक्ति, इन्होंने क्या देखा कि एक बच्चा है वो क्या है स्विमिंग पूल में बेचारा डूब रहा है, तो उसे वो क्या करने गए, रेस्क्यू करने गए, और इन्होंने क्या किया उस एमिनेंट डेंजर को खुद पर्सनली उन्होंने क्या किया वॉलेंटरीली उसको ले लिया, और इनको क्या हुआ कुछ पर्सनल इंजुरी या फिर इनको कुछ पर्सनल इंजुरी क्या हो गई, हो गई। तो डिफेंस ऑफ लीव एंड लाइसेंस इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्लेंटिफ। तो ये जो प्लेंटिफ है उसके ऊपर क्या होगा, वो डिफेंस अप्लाई नहीं होगा। वेदर द पर्सन इंडेंजर्ड वॉज वन टू हुम ई ओड अ ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली और वॉज अ मियर स्ट्रेंजर टू हुम ही हैड नो सच ड्यूटी। तो प्लेंटिफ के ऊपर वो वाली लाइबिलिटी नहीं होगी और ना वो किसी फैमिली मेंबर या इसके ऊपर भी वो अप्लाई नहीं होगी। निर्भय जी को क्या मिलेगा, वॉलेंटियर आउटफिट क्या ये क्या मिलेगा, एक्सेप्शन में ये कवर होंगे। अब के केस देखते हैं अपन, केस हम देखो टॉर्ट्स में आपको काफी सारे केसेस देखना पड़ेंगे। केस हमारा क्या था, हाइनेस वर्सेस हार्वुड का केस था ये। ये क्या था हमारा, हाइनेस वर्सेस हार्वुड, इसमें क्या गया था, इट वाज हेल्ड दैट टू रिकवर डैमेजेस एज अ डिफेंडेंट वाज ग्रॉसली नेग्लिजेंट एंड दैट द डिफेंस ऑफ वॉलेंटियर नॉन फिट इंजुरिया वाज हेल्ड नॉट टू अप्लाई इन रेस्क्यू केसेस। इसमें क्या बोलते हैं कि रेस्क्यू केसेस में अप्लाई नहीं होगा। हार्वुड वाले केस में क्या हुआ था कि अपने जो इनके जो एनिमल्स थे ना वो दूसरे के खेत में जाके क्या कर लेते हैं, उसकी घास वगैरह खा लेते हैं उसके हाँ नहीं नहीं रुक सुनो, इसमें क्या हुआ था, इसमें है ना एक वैन रहती है, एक घोड़े की हॉर्स वैन रहती है, और क्या होता है वो गलती से क्या होता है जहाँ पे बहुत सारे वुमेन रहती है, बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसी बहुत भीड़ वाली स्ट्रीट में क्या होता है गलती से हॉर्स वैन क्या हो जाती है छूट जाती है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है बच्चे पहले तो इसके ऊपर क्या बोलते हैं स्टोन फेंकते हैं, और फिर घोड़े क्या हो जाते हैं घोड़े बिदक जाते हैं, और फिर वो क्या हो जाती है वहां पे भगदड़ मच जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है पूरी ऐसी भगदड़ वाली सिचुएशन हो जाती है। ये वाला इसमें हुआ था, ये इसके फैक्ट्स है। तो इसमें क्या बोला गया था कि जो वॉलेंटियर नॉन फिट इंजुरिया है ये रेस्क्यू केसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इस वाले केस में ये हेल्ड किया था। द एक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी ऑल्सो इंटरवीनिंग, इसमें एक्ट क्या था थर्ड पार्टी का था इंटरवीनेंस, एंड द वॉलेंटियर अंडरटेकिंग द रिस्क बाय द प्लेंटिव वर नॉट ओपन टू द डिफेंडेंट, ये डिफेंडेंट के ऊपर क्या है ओपन नहीं है। नेक्स्ट केस हम देखते हैं कटलर वर्सेस यूनाइटेड डायरीज। नेक्स्ट केस हमारा क्या है, कटलर वर्सेस यूनाइटेड डायरीज। अ मैन हु वॉज इंजर्ड, इसमें क्या होता है एक मैन रहता है जो कि क्या होता है ट्राइड इंजर्ड ट्राइंग टू रिस्ट्रेन अ हॉर्स, वो क्या कर रहा है एक हॉर्स को रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है, हु हेल्ड टू बी वॉलेंस एंड बिकॉज इन दैट केस नो ह्यूमन लाइफ वॉज इन इमीडिएट डेंजर। यहाँ पे ह्यूमन लाइफ का क्या है इमीडिएट डेंजर नहीं था, तो ही वॉज नॉट अंडर एनी कंपेलिंग ड्यूटी टू एक्ट। देखो उस वाले केस में क्या था, जब हमने निर्भय जी के वाले केस में देखा था तो वो स्विमिंग पूल में बच्चे को क्या कर रहे थे बचा रहे थे, तो
तो किसी का क्या हो रहा था, एमिनेंट डेंजर टू ह्यूमन लाइफ था, यहाँ पे इमीडिएट डेंजर ह्यूमन लाइफ का नहीं था, इमीडिएट डेंजर ह्यूमन लाइफ को नहीं हो रहा था, तो इसलिए इसमें उसको क्या है, कवर नहीं किया है। और दानियल जी पूछ रहे हैं, और रिस्पेक्टेड मैम, ये टॉड के लेक्चर कितनी क्लास में पूरे हो जाएंगे? हाँ, गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं इसको कवर कोशिश करूंगी कि 2-3 क्लासेस में इसको पूरा कंप्लीट करने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि टॉट काफी ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट है, उसको मैं ट्राई कर रही हूँ, जितना शॉर्ट में करने का कोशिश कर रही हूँ उतना ही ट्राई कर रहे हैं जल्दी कंप्लीट करने का। मुझे भी पता है कि आप लोगों का 4 तारीख को एग्जाम है, तो अब अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं शॉर्ट शॉर्ट में। यस, थर्ड हमारा एक्सेप्शन क्या है? थर्ड एक्सेप्शन है हमारा ड्रंक ड्राइवर्स। ड्रंक ड्राइवर्स, अ पर्सन एक्सेप्टिंग अ लिफ्ट फ्रॉम अ ड्रंक ड्राइवर वॉज नॉट टू बी ट्रीटेड एज वॉलेंस। ये क्या होगा? वॉलेंट्री नॉन फिट इंजरी में नहीं आएगा, जो कि क्या है, ड्रंक ड्राइवर क्या है, लिफ्ट ले रहा है। अनलेस द ड्रंकनेस वॉज सो एक्सट्रीम एंड सो ग्लेरिंग दैट एक्सेप्टिंग अ लिफ्ट वुड बी इक्विवेलेंट टू एन इंटरमेडलिंग विद एन अनएक्सप्लोडेड बम बॉम्ब और वॉकिंग ऑन द एज ऑफ एन अनफेंस्ड क्लिफ। एक कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, एक ड्रंक ड्राइवर है, उससे क्या कर रहा है, लिफ्ट ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉट टू बी ट्रीटेड एज वॉलेंटियर नॉन फिट इंजुरिया में उसको कवर नहीं करेंगे, अनलेस एंड अंटिल उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक करी हो कि वो क्या है, एक्सप्लोडेड बॉम्ब के इक्विवेलेंट हो। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला, वॉलेंटियर नॉन फिट इंजुरिया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है एक्ट ऑफ गॉड। ये हमारा सेकेंड वाला वो है, सेकेंड वाला हमारा जनरल और डिफेंस है। एक सेकेंड में देख लेती हूँ कि उसमें कुछ छूट तो नहीं गया है अपना। देखिए, वाला जो केस है हाईनेस वाला, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए, ये आपके एग्जाम में काफी इम्पोर्टेंट है। मैं केस लॉस सारे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट आपको इम्पोर्टेंट केस लॉस दिखाते जाती हूँ। एक और केस लिखे, डैन वर्सेस हैमिल्टन, डैन वर्सेस हैमिल्टन। ये ड्रंकनेस से रिलेटेड है, ड्रंकनेस से रिलेटेड है ये। डैन वर्सेस हैमिल्टन, चलो एक्ट ऑफ गॉड पे चलते हैं अपन। अब एक्ट ऑफ गॉड को क्या बोलते हैं, विस मेजर। विस मेजर ऐसा भी स्पेलिंग है इसका, और ऐसा वाला भी है, जैसा भी आप चाहो, विस मेजर भी इसको कहते हैं। एक्ट ऑफ गॉड मे बी डिफाइंड इट सर्कमस्टांसेस विच नो ह्यूमन फोरसाइट कैन प्रोवाइड अगेंस्ट एनी ऑफ द विच ह्यूमन प्रूडेंस इज नॉट बाउंड टू रिकोगनाइज द पॉसिबिलिटी एंड विच वेन दे डू अकर देयर आर कैलेमिटीज डू नॉट हैव इन्वॉल्व द ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग। देखो, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फोर्सी नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे अभी हम अभी हमारा मौसम कैसा हो रहा है कि बारिश आ भी सकती, नहीं भी आ सकती है, धूप हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, ये सारी चीजें क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है। इस पे आपका और मेरा जो है, एक प्रूडेंट पर्सन का ह्यूमन प्रूडेंस इस पे नहीं चलता है। तो जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, जिसको हम फोर्सी नहीं कर सकते, वो सब हमारे क्या आ जाएंगे, मिस विस मेजर में चले जाएंगे, एक्ट ऑफ गॉड में चले जाएंगे। फॉलिंग ऑफ द ट्री, फ्लैश ऑफ द लाइटनिंग, स्टॉर्म्स, टाइड्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, फ्लड, ये सब क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है। एसेंशियल कंडीशंस क्या है इसकी, एक्सटर्नलिटी। सबसे पहला क्या है, एक्सटर्नलिटी, देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ द नेचुरल फोर्सेस विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम ह्यूमन एजेंट।
अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया, पेंडेमिक, बिल्कुल। देखो मैंने क्या किया, एक अपन वो करते हैं, एक पेड़ है, सपोज करो कि ये क्या है पेड़, यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पा रहा, यहाँ पे कर, सपोज करो कि ये एक सुंदर सा पेड़ है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ये इसका तना है, तो मैंने इतना जो है इतना मैंने क्या कर दिया कि ट्री को मैंने कट कर दिया, इतना वाला पोर्शन पूरा मैंने इसको वॉलेंटरीली कुल्हाड़ी लेके कट कर दिया, और ये अब बेचारा ना इतने से इस पे क्या है टिका हुआ है, ये पेड़ जो है इतने से जरा से चीज पे क्या है वो टिका हुआ है, इतनी सी चीज पे ये टिका हुआ, और इसका जो मेजर तना था वो मैंने क्या है कट कर दिया। अब मुझे बताइए कि जैसे ही थोड़ी सी भी थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी सी भी हवा चलेगी, तो पेड़ क्या हो जाएगा, पेड़ क्या हो जाएगा, मुझे बताइए पेड़ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा मैम। ठीक है, तो अब ये जब पेड़ गिर जाएगा तो क्या मैं इसको ये बोलूंगी कि ये तो नेचुरली गिरा, भगवान ने गिराया इसको, ये क्या नेचुरली एक्ट ऑफ गॉड में कवर होगा कि नहीं होगा, एक्ट ऑफ गॉड में कवर होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बताइए अब, यस और नो। नो मैम, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया इसको, हमारे एक्सटर्नल फोर्स है, ह्यूमन ह्यूमन एजेंसी के इंटरवेंशन, ह्यूमन एजेंसी के इंटरवेंशन की वजह से हमने क्या किया, एक्सटर्नल नेचुरल चीजों को क्या किया, हमने अफेक्ट किया, आप इन्वॉल्व हो उसमें, बिल्कुल। कीर्ति जी ने राइट आंसर बोला है कि इसमें क्या किया, हमने ह्यूमन इंटरवेंशन किया है, तो इंटरवेंशन कैसा होना चाहिए, विदाउट इंटरवेंशन होना चाहिए, वो पूरा जो फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल फोर्सेस की वजह से होना चाहिए। और सेकेंड है अनप्रिडिक्टेबल, अभी जैसे कि क्या है यहाँ पे एमपी में, इंदौर में भी क्या है गर्मी है, आपके इधर भी क्या होगी गर्मी होगी, सारी जगह पे गर्मी है, अब ये क्या है प्रिडिक्टेबल है कि आज गर्मी है तो कल भी क्या होगी गर्मी होगी, ये प्रिडिक्टेबल है, ऐसा तो नहीं बोलोगे कि आज गर्मी और कल क्या है कल तो यहाँ पे स्नोफॉल हो जाएगा, हो सकता है क्या, अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा वो स्नोफॉल, अगर हो गया तो वो क्या होगा, स्नोफॉल अगर हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, तो सिचुएशन कैसे होना चाहिए, अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए, पहले से उसका कोई अनुमान नहीं लगा सके, वो कैसा होना चाहिए, अनफोर्सीन होना चाहिए, द अकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड डू नॉट वन विच कुड बी एंटिसिपेटेड एंड रीजनेबली गार्डेड अगेंस्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इररेसिस्टेबिलिटी, फर्स्ट हमारा हमने क्या देखा एक्सटर्नलिटी, सेकेंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी, थर्ड हमारा है इररेसिस्टेबिलिटी। इररेसिस्टेबिलिटी क्या होता है कि अकरेंस ऐसा होना चाहिए विच कुड नॉट हैव बीन अवॉइडेड, इसको तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, जैसे कोरोना आया पेंडेमिक आया तो उसको हम अवॉइड कर सकते थे क्या, वो क्या था अनअवॉइडेबल था, इसको हम क्या बोल सकते अनअवॉइडेबल भी लिख सकते, इररेसिस्टेबल है इसको हम रेसिस्ट कर ही नहीं सकते। डिफेंसेस चल रहे हैं क्या मैम, यस आशु जी, यस अभी हम सेकंड वाले सेकंड डिफेंस में है, हम एक्ट ऑफ गॉड पढ़ रहे हैं, एक्ट ऑफ गॉड पढ़ रहे हैं हम, डिफेंसेस चल रहे हैं, ठीक है, इसके हम एसेंशियल एलिमेंट पढ़ रहे हैं एक्ट ऑफ गॉड के, एक्सटर्नलिटी अनप्रिडिक्टेबिलिटी इररेसिस्टेबिलिटी। अब केस देखते हैं, केस हमारा क्या है, रामलिंगा नदर वर्सेस नारायण रेदर, अब देखो ये केस किसका है, एक्ट ऑफ गॉड का भी, एक्ट ऑफ गॉड का केस है, और नाम कैसे भगवान के नाम है, राम भगवान का नाम है, नारायण का नाम है, तो इस तरह से आप इसको क्या है याद कर सकते, इसमें क्या बोला था है केरला हाई कोर्ट ने बोला था दैट द क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑफ द अनरूली मॉब कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एन एक्ट ऑफ गॉड, एक मॉब है वो क्या कर रहा है, मॉब ने अगर कुछ किया है
उसका एक्ट, ये जो है एक्ट ऑफ गॉड में कंसिडर नहीं करेंगे, ये इस रामलिंगा वाले केस में बोला था। सरस्वती, सरस्वती देखो फिर से भगवान का नाम आ गया, सरस्वती परा 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 भाई वर्सेस ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा एंड अदर्स। इसमें क्या हुआ था, वेन इलेक्ट्रिक पोल, पोल होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल वॉज अपरूटेड, इलेक्ट्रिक पोल था वो क्या हो गया था, उखड़ गया था एंड फेल डाउन विथ लाइव वायर विच कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। उसकी वजह से क्या हो गई, डेथ हो गई पर्सन की। ओडिशा हाई कोर्ट रिजेक्टिंग द डिफेंस, ओडिशा हाई कोर्ट ने बोला कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है एंड दैट इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रिड कॉर्पोरेशन अथॉरिटी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन सच अ सिचुएशन ऑफ स्टॉर्म एंड रेन। अच्छा देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बारिश का दिन आता है, बारिश का महीना स्टार्ट होने वाला रहता है, उसके 1-2 महीने पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं, ट्री कटिंग करते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है, लाइट्स जाते हैं, पावर कट करते हैं, उनको फोन करके पूछते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि अभी हमारी टीम क्या कर रही है, पेड़ काट रही है। ये क्यों पेड़ क्यों काटते हैं मुझे बताइए, पेड़ क्यों काटते हैं लोग, इनको मजे आते हैं क्या पेड़ काटते हैं, जबकि पेड़ काटना तो कितनी गलत बात है, पर ये लोग पेड़ काटते हैं, क्यों काटते हैं ये लोग पेड़। किसी ने नोटिस किया है, बारिश स्टार्ट होने वाली रहती है, उसके पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले क्या करते हैं, सारे पेड़ों को थोड़ा कट डाउन करते हैं, एक्सीडेंट ना हो इसलिए, बिल्कुल, क्योंकि क्या होगा, पेड़ क्या रहते हैं, बारिश में पेड़ गिरेगा तो क्या होगा, जो वायर्स है उसको क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोल्स पे क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा, वायर्स उलझ जाएंगे और ये वाली सिचुएशन बच जाएगी। तो वो उसको इन्होंने क्या बोला कि ये एक्ट ऑफ गॉड क्या है, एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, क्योंकि इसकी ड्यूटी किसकी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ड्यूटी है कि वो क्या करे, प्रॉपर मेंटेनेंस करे, पेड़ वगैरह काटे, ये किसकी ड्यूटी है, ग्रिड कॉर्पोरेशन की, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले की क्या है, ड्यूटी है। ये हो गया हमारा एक्ट ऑफ गॉड। थर्ड हमारा जनरल डिफेंस है इनइविटेबल एक्सीडेंट। इनइविटेबल एक्सीडेंट का मतलब होता है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, फोरसीन नहीं कर सकते। ऑल रिसेंट अथॉरिटी सपोर्ट द व्यू दैट इनइविटेबल एक्सीडेंट, ये क्या है, एक नेगेटिव लाइबिलिटी है, कुड नॉट बी पॉसिबली प्रिवेंटेड। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर ही नहीं सकते, ये क्या है, ये भी इररेसिस्टेबल है, इसको हम फोरसीन नहीं कर सकते, इट मीन्स एक्सीडेंट फिजिकली अनअवॉइडेबल, ये क्या है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है, इट डज नॉट अप्लाई टू एनीथिंग विच इज इधर पार्टी माइट हैव अवॉइडेड। इसको क्या है, हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। चलो इनएविटेबल एक्सीडेंट पढ़ने से पहले हम देख रहे थे कि हमारा आरंभ कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्टार्ट होने जा रहा है, सॉरी आरंभ कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच स्टार्ट होने जा रहा है, 25 मई से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि 25 मई से क्या होने वाला है, अन अकेडमी के सारे सब्सक्रिप्शन पे 20% हाइक होने वाला है। तो अगर आपको जल्दी से अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप HM10 कोड यूज करके इसका फायदा उठा लीजिए। इस बैच में फैजान सर, मैं खुद हूँ, शुभम सर, सिद्धार्थ दुबे सर और आशुतोष सर, ये सारे टीचर्स हैं इसमें, और आपको एक एक सेक्शन को विथ डिटेलिंग आपको पढ़ाने वाले, कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपको पढ़ाएंगे। सारथी बैच चल रहा है हमारा, सारथी बैच चल रहा है, आज ही हमने पॉक्सो कंप्लीट किया है इसमें, और MP स्पेसिफिक बैच भी चल रहा है, तो आप इस सब का भी फायदा उठा सकते हैं, HM10 कोड यूज करके आप इन सारे बैचेस का फायदा उठा सकते हैं। देखिए 20% हाइक होने वाला है, तो आप इसका जल्दी से अवेल कर लीजिए, अगर आपको अभी अवेल करना है तो आपको 5% ऑफ भी मिल जाएगा। अभी इनएविटेबल एक्सीडेंट पर आ जाते हैं वापस से हम।
ए आर कृष्णा पत्र वर्सेस ओडिशा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसमें क्या होता है, कोर्ट एक्सप्लेन इनएविटेबल एक्ट एंड हेल्ड दैट इन इनएविटेबल एक्सीडेंट इज एन इवेंट विच हैपन्स नॉट ओनली विदाउट द कंकरेंस ऑफ द विल ऑफ द मैन बट इन स्पाइट ऑफ ऑल इफेक्ट्स ऑन हिज पार्ट टू प्रिवेंट इट। देखो हमने क्या किया था, हमने हमारी सारी कोशिशें करी थी कि वो वाली चीज नहीं हो, हमने हमारा सारा ड्यूटी ऑफ केयर एंड कॉशन किया था, फिर भी वो चीज हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इनएविटेबल एक्सीडेंट में की कैटेगरी में वो चले जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट, इसमें आप एक इम्पोर्टेंट केस लिख लीजिए, पद्मावती, पद्मावती वर्सेस दुग्गा, दुग्गा नायका, ये टू स्ट्रेंजर्स रहते हैं, ये जीप वाले से क्या लेते हैं, लिफ्ट लेते हैं और उसके बाद इनका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, इतना ही है, बाकी अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिफेंस है हमारा नेसेसिटी। नेसेसिटी में क्या होता है, नेसेसिटीज इंडिक्यूट प्रिविलेजम क्वॉट जूरा प्राइवेटा, नेसेसिटी इंड्यूसेस अ प्रिविलेज बिकॉज ऑफ प्राइवेट रॉन्ग, ये मैक्सिम आप अच्छे से नोट कीजिए और इसका मीनिंग है ये। इसमें क्या होना चाहिए, टू एक्सरसाइज अथॉरिटी गिवन बाय लॉ टू अवॉइड ग्रेटर हार्म इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ये तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। नेसेसिटी क्या है, अगर कोई बड़ी हानि है, अगर कोई छोटी हानि है, हम छोटी हानि कर सकते हैं बड़ी हानि को करने के लिए, या आईपीसी में आपने सुना ही होगा कि हम बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ये हमारा जो अथॉरिटी वो हमें क्या दिया है, गिवन बाय लॉ है और ये लार्जर इंटरेस्ट के, पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में है। अब देखो इसमें एक वो आता है, ये एक शिप है, इस शिप में 1,000 लोग हैं और एक छोटी सी बोट है, इसमें 5 लोग हैं। अब अगर वो इधर मूव करता है तो ये शिप को, इस बोट को क्या करना पड़ेगा, इसको टक्कर मारनी पड़ेगी, और अगर वो इधर मूव करता है तो यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर लगा है, ये क्या हो गया, सारे लोग क्या हो जाएंगे, सारे लोगों का एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस वाले केस में वो क्या करेगा, एज पर द नेसेसिटी रूल, और आईपीसी में नेसेसिटी कहाँ पर है ये भी बताइए। आईपीसी में नेसेसिटी कहां पर है ये भी बताइए। मेरा थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, जल्दी बताइए। कोई बता ही नहीं रहा है, तो देखो यहाँ पे वो क्या करेगा, ये बड़ी हानि को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या कर सकता है, छोटी हानि कर सकता है, यही क्या है, नेसेसिटी का रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डिफेंस है हमारा प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस आईपीसी में प्राइवेट डिफेंस भी दिया है, कहाँ से कहाँ तक दिया है बताइए। आईपीसी में प्राइवेट डिफेंस कहाँ पे दिया है, नाइन्टी सिक्स टू 106 क्या दिया है, प्राइवेट डिफेंस दिया है। प्राइवेट डिफेंस इज अनदर ग्राउंड ऑफ इम्यूनिटी वेल नोन टू द लॉ, अगर किसी ने क्या किया, नो एक्शन इज मेंटेनेबल फॉर डैमेज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ वंस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर कोई प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा है तो वो भी क्या होगा, जनरल डिफेंस में काउंट होगा। और लास्ट हमारा है एक्ट कॉजिंग, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी,
ये क्या बोलता है, लॉ डज नॉट टेक ऑफ ट्रिफ्लिक एक्स दी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेग्स, लॉ डज नॉट क्योर माइनर लॉस, कोर्ट जनरली डू नॉट टेक रिफलिंग एंड इमटेरियल मैटर्स इंटू अकाउंट एक्सेप्ट अंडर पिक्यूलर सर्कमस्टांसेस सच एज ट्रायल ऑफ अ राइट वेयर पर्सनल कैरेक्टर इज इन्वॉल्व। अगर पर्सनल कैरेक्टर से इन्वॉल्व है तो ही वो लेगा, नहीं तो वो ट्रिपल एक्स को जो तुच्छ विधि तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं देती, ये इसका सीधा सा प्रिंसिपल है कि छोटी मोटी बातों को विधि लॉ क्या करता है, इग्नोर कर देता है। हम केस देखते हैं हॉलफोर्ड वर्सेस बेले। ए कास्ट ने क्या किया, ड्रॉज अ नेट इन वाटर एंड वेयर बी हैज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ फिशिंग। इसका क्या है, बी का एक्सक्लूसिव राइट ऑफ फिशिंग था, वहां पे इसने क्या अपनी नेट लगाई। वेदर एनी फिश आर कॉट और नॉट, ए हैज रॉन्ग्ड बी बिकॉज द एक्ट इफ रिपीटेड वुड टेंड टू एस्टेब्लिश अ क्लेम और राइट। सिमिलरली एन एक्ट विच इज स्मॉल इंसिडेंट मे बी पार्ट ऑफ द लार्जर ट्रांजेक्शन। इसका क्या है, इसने मतलब मछली का जाल बिछाया था, ये क्या है स्मॉल इंसिडेंस है बट ये एक लार्जर ट्रांजेक्शन का भी क्या हो सकता है, पार्ट हो सकता है। इन सच अ केस ऑल्सो द लॉ विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द एक्ट। लास्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल एक्ट। जो भी जुडिशियल एक्ट होते हैं और क्वासी जुडिशियल एक्ट होते हैं वो भी जनरल डिफेंस जैसी कैटेगरी में आते हैं। कैसे आते हैं, नो एक्शन जो कि अगर किसी ने क्या किया, एक्ट डन किया है या फिर वर्ड स्पोकन किया जो कि जज इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज जुडिशियल ऑफिस। ये आईपीसी में कहाँ पे दिया है, 76, 76, 76 में नहीं, ये कहाँ पे दिया है, 77 और 78। तो अगर एक्ट ऑफ जज क्या होगा, एक्ट ऑफ जज क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अगर उसने क्या किया है, वर्ड्स स्पोकन बाय जज इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज जुडिशियल ऑफिस। अगर उसने जुडिशियल ऑफिस की कैटेगरी में वो काम कर रहा है तो फिर वो भी क्या हो जाएगा, जनरल डिफेंस में आ जाएगा। आप लोग के कमेंट्स नहीं, सो गए क्या सब लोग, नाइनटी सिक्स टू 106 तरुण जी ने बोला है। अब नो मैम, चलो जाग रहे हो, चलो सब लोग जाग रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये सारे डिफरेंसेस हो गए। अब हम विकेरियस लाइबिलिटी देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, विकेरियस लाइबिलिटी। विकेरियस लाइबिलिटी एज ए विकेरियस लाइबिलिटी का जनरली आप जनरली हम क्या समझते हैं कि मास्टर क्या होगा, मास्टर विल बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट। तो विकेरियस लाइबिलिटी को हम देखते हैं, एज ए जनरल रूल मैन इज लाइबल ओनली फॉर हिज ओन एक्ट। जनरली क्या होता है, मैंने कुछ काम किया तो मैं लाइबल होंगी, निर्भय जी ने कुछ काम किया तो वो लाइबल होंगे, कीर्ति जी ने कुछ काम किया तो वो लाइबल होंगे। सब अपने अपने एक्ट के लिए क्या होते हैं, अपने अपने एक्ट के लिए लाइबल होते हैं। बट विकेरियस लाइबिलिटी में क्या होता है, जो मास्टर रहता है वो क्या होता है, लाइबल होता है एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट। बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इन विच अ पर्सन इज लाइबल फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स, दिस इज कॉल्ड विकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल। सॉल्वेंट की लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट क्या बोलता है, इन जनरल अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर हिज ओन एक्ट्स बट देयर आर एक्सेप्शन केसेस इन विच द लॉ इम्पोजेस ऑन हिम विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर हाउएवर ब्लेमलेस हिमसेल्फ। जो डॉक्ट्रिन ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी है इज बेस्ड ऑन टू मैक्सिम्स, टू मैक्सिम्स पे डिपेंड करता है। ये मैक्सिम कल हमने पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे थे तब काफी बार ये मैक्सिम पूछी थी, क्यू फैसिट पर एलम फैसिट पर से। इसका मतलब क्या होता है, हु एक्ट थ्रू अनादर इज डीम टू इन लॉ फॉर डूइंग इट हिमसेल्फ। मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो मास्टर है वो क्या होगा, प्रिंसिपल के लिए उसके सर्वेंट के लिए लाइबल होगा, जैसे कि प्रिंसिपल क्या रहता है, एजेंट के लिए लाइबल होता है। बिल्कुल कीर्ति जी। और सेकेंड मैक्सिम हमारा क्या है, रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर, रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर। इसका क्या मतलब होता है, सुपीरियर मस्ट बी, जो भी सुपीरियर पर्सन है सुपीरियर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल
और लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल. प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा. इन सच केसेस नॉट ओनली ही ओबेज बट ऑल्सो ही हु हैज कमांड. देखो इसमें एसेंशियल क्या है कि जो ओबे करता है वो क्या होता है, वो बच जाता है, और जो कमांड करता है उसे क्या करना पड़ता है, उसे लाइबल हो जाता है, बिकम्स इक्वली लाइबल. दिस रूल इज हैज इट्स ओरिजिन इन द लॉ ऑफ प्रिजम्पशन दैट ऑल एक्ट्स डन बाय द सर्वेंट इज अबाउट मास्टर्स बिजनेस एंड डन बाय द मास्टर्स एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी. इसकी अथॉरिटी किसकी रहती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी मास्टर की रहती है. मॉडर्न व्यू क्या है, मॉडर्न व्यू है डॉक्ट्रिन ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी इज जस्टिफाइड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अदर देन एम्बॉडीड इन द अबव मेंशन. इट इज नाउ बिलीव दैट द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इज दैट ऑफ द एक्सपीडिएंसी एंड पब्लिक पॉलिसी. एक्सपीडिएंसी एंड पब्लिक पॉलिसी में आता है. अच्छा आप लोग अब मुझे एक कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा कि देखो एक था, ये था ड्राइवर, ठीक है, और ये कार है जज साहब की, या आप लोग जो फ्यूचर जजेस हैं आप में से ही कोई क्या बनने वाला है, जज बनने वाला है, उसी की ये कार की हम बात कर रहे हैं. तो ये कार है इनकी, इसको क्या करता है ये जो ड्राइवर है, ये अपने किसी पर्सनल काम से, किसी पर्सनल काम से कहीं और ले जाता है, और वहाँ पे वो क्या कर देता है, एक्सीडेंट कर देता है. कार किसकी, जज साहब की है. एक्ट कैसा है, पर्सनल काम है उसका, और वहां पे वो एक्सीडेंट कर देता है. तो आप मुझे बताइए कि वहां पे ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइए. वहां पे मास्टर वाला, मास्टर विल बी लाइबल फॉर हिज एक्ट, विकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि नहीं होगा. इट इज नॉट एप्लीकेबल, नहीं होगा बिल्कुल. तरुण जी, जज विल नॉट बी लाइबल, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है. क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा था, पर्सनल कैपेसिटी में वो कर रहा था, और यहाँ पे क्या लिखा था कि उसके पास क्या एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड अथॉरिटी है. अथॉरिटी कैसा होना चाहिए, अगर वो ऑफिशियली कुछ काम करता, अगर वो कोर्ट जा रहा होता, अगर वो कोर्ट जा रहा होता, या फिर जज से आपको ड्रॉप करने जा रहा होता, पिक करने जा रहा होता, तो फिर वो क्या होता, ऑफिशियल एक्ट में कवर होता. बट यहाँ पे वो क्या कर रहा था, पर्सनल एक्ट कर रहा था, इसलिए वो अपने पर्सनल कैटेगरी में रिस्पॉन्सिबल होगा. जज विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल पर्सनल एक्टिविटीज की. बिल्कुल सभी ने राइट आंसर बोला है. सॉल्वेंट, सॉल्वेंट साहब फिर वो क्या बोले, सॉल्वर्ट कह रहे हैं दैट देयर इज वन आइडिया ऑफ विच इज फाउंड इन द जजमेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ सर जॉन हॉल्ट टू दैट ऑफ द लॉर्ड एट दैट इज कॉल्ड पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी. अब मोड्स ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी क्या है, थ्री मोड्स थे इसके, फॉलोइंग थ्री मोड्स. सबसे पहला क्या है, लाइबिलिटी बाय रेक्टिफिकेशन वेयर द डिफेंडेंट अथोराइज्ड और रेटिफाइड द पर्टिकुलर रॉन्गफुल एक्ट. अब इसने क्या किया है, मैंने क्या करा है, मैं जज साहब और मैंने क्या कर लिया है, उस लाइबिलिटी को अथोराइज कर लिया है कि तुमने जो भी काम किया है उसके लिए क्या होंगी, मैं अथोराइज हूँ, तुम्हारे एक्ट के लिए मैं अथोराइज हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, अथॉरिटी दे दी मैंने और रेटिफिकेशन दे दिया कि आपका जो एक्ट है वो मेरे द्वारा होगा. लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप. अब रिलेशनशिप कैसा है, कुछ स्पेशल रिलेशनशिप उनके बीच में है, कैसा वाला है, वेयर द डिफेंडेंट स्टैंड टू द रॉन्ग डूअर इन रिलेशन विच मेक्स द फॉर्मर आंसरेबल फॉर ऑल द रॉन्ग्स. उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, इससे स्पेशल रिलेशनशिप है. अगर वो कुछ गलत करता है तो अपने आप उसके ऊपर उंगली उठ जाती है. जैसे भाई बहन होते हैं ना, भाई बहन होते हैं कि नहीं. अब क्या हुआ कि मम्मी है ना, मम्मी घर पर आई और भाई बहन थे. अब क्या हुआ कि देखा कि क्या है, कांच का ग्लास क्या है, कांच का ग्लास टूटा हुआ मिला है, और बहन क्या है, बहन उसी रूम में बैठी है. तो ये इनके बीच में कैसा रिलेशन हो जाएगा, बहन ने क्या किया है, इस ग्लास को तोड़ दिया है, और भाई ने क्या कर लिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली. मम्मी से डांट नहीं पड़े उसके लिए, भाई ने क्या किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली. तो इनका रिलेशनशिप कैसा हो गया, एक स्पेशल रिलेशनशिप हो गया, कि अगर रॉन्ग डूअर ने कुछ गलत किया है तो कॉलर किसकी पकड़ेंगे, भाई की ही पकड़ेंगे. जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो
बच्चे की जो भी डांट रहती है वो किसको सुननी पड़ती है? बच्चे की डांट हमेशा क्या सुनते हैं? पेरेंट्स सुनते हैं। तो उसी तरह से ये है कि अगर इसने कुछ रॉन्ग डूअर किया है तो किसी कॉर्नर पकड़ेंगे? उसके उसके अथॉरिटी वाले की पकड़ेंगे, जिसका फॉर्मल रिलेशन है। मास्टर सर्वेंट जैसा ही ये है। अब क्वेश्चन आता है कि मास्टर सर्वेंट हु इज सर्वेंट। अब कल हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या आया था कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का हमने क्वेश्चन देखा था ना, कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हमने क्या किया था? एक्सक्लूड किया था, वो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा था। तो अब हम देखेंगे कि सर्वेंट होता कौन कौन है। सर्वेंट, हु इज सर्वेंट? तो लॉर्ड टैंकरटन क्या बोल रहे हैं? लॉर्ड टैंकरटन कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन द मास्टर एंड द सर्वेंट। उनके बीच में क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और ये फॉलोइंग फोर इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए। फोर इंग्रेडिएंट सबसे पहले क्या है कि मास्टर का पावर होना चाहिए सिलेक्शन ऑफ इस सर्वेंट। 10 सर्वेंट है, उसमें से उसने क्या किया है? सिलेक्ट किया है, उसने सिलेक्ट किया है। तो मास्टर का सबसे पहला क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए टू सिलेक्ट। जैसे कि अपना वो होता है ना, स्वयंवर होता है, उसी तरह से क्या होता है? मास्टर सिलेक्ट कर रहा है कि इन इन सर्वेंट्स में से वो क्या कर रहा है? सिलेक्शन कर रहा है। फिर सेकेंड है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस या फिर रेमुनरेशन। अब मास्टर सर्वेंट का रिलेशन कब बनेगा? वो उसका फ्री में काम करता है तो फिर मास्टर सर्वेंट नहीं होगा। वो क्या है यहाँ पे? वेजेस और या रेम्यूनरेशन, उसको कुछ पैसे देना जरूरी है। थर्ड है कि मास्टर्स राइट टू कंट्रोल द मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। अब मैंने क्या बोला? मैंने एक सर्वेंट हायर किया और मैंने बोला कि जैसा मन करे वैसा आप काम करो, यू आर फ्री बर्ड। मैंने उसको बोला कि आप फ्री बर्ड हो, जैसा मन मर्जी आए वैसा काम करो। तो मास्टर विल नॉट बी लाइबल फॉर हिज एक्ट, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? कोई भी कंट्रोल नहीं है। उसकी जो मेथडोलॉजी और वर्किंग है उस पे मेरा कुछ भी कंट्रोल नहीं है। मैंने उसको बोला कि यू आर फ्री बर्ड, आप कैसे भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? उसका ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहा है। उसका राइट टू कंट्रोल क्या है? मास्टर के ऊपर है, और मास्टर को कभी भी उसको निकालने का या फिर डिसमिस करने का अधिकार होना चाहिए। तो चार चीजें हमने क्या पढ़ी कि उसको राइट टू सिलेक्ट, राइट टू चूज होना चाहिए, उसको पेमेंट ऑफ वेजेस होना चाहिए, उसको वो कभी भी निकाल सकता है, और उस पे फुल कंट्रोल, उसकी वर्किंग पे फुल कंट्रोल मास्टर का होना चाहिए। तो फिर वो मास्टर सर्वेंट की रिलेशनशिप में आएगा। द सर्वेंट मे बी डिफाइंड एज एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय अनदर टू डू वर्क फॉर हिम ऑन द टर्म्स दैट ही इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ हिज एम्प्लॉयर। अब सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? अभी हमने देखा कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर क्या होगा, ये अप्लाई नहीं होगा ये वाला मैक्सिम। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर, इसमें डिफरेंस क्या है? सर्वेंट क्या होगा? सर्वेंट क्या है? एक तरह का एजेंट है जो कि क्या करता है? इसके लिए काम करता है। वेयर एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर क्या है? खुद ही अपना मास्टर है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर क्या होता है? जैसे कि मेरे को क्या करना है, मेरे को एक घर बनवाना है, एक सुंदर सा घर बनवाना है। तो मैंने क्या किया? एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर को हायर किया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर को हायर किया, और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर ने फिर क्या किया? 10-12 लोगों को हायर किया, और फिर उसने क्या किया? उसने काम करवाया। तो अब जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर है वो क्या हो गया? ये खुद में क्या बन गया? ये खुद क्या है? अब मास्टर बन चुका है। तो ये सर्वेंट की कैटेगरी में अब नहीं आएगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस। इसका नाम में ही क्या लिखा है कि ये क्या है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर है, ये खुद ही अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है। सर्वेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ओबे हिज मास्टर्स डायरेक्शन। वो क्या करता है? ओबे करता है। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर क्या करता है? इंगेज करता है। ये दूसरों को क्या करता है? इंगेज करता है सर्टेन वर्क में। ये किसी का ओबे नहीं करता है, ये क्या करता है? इंगेज करता है। सर्वेंट इज बाउंड। सर्वेंट क्या होता है? बाउंड होता है। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर क्या रहता है? जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन है वो उससे बाउंड रहेगा। जैसे हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो मुझे 5 जून को घर बना के देंगे। अब मैं उनको बोल रही हूँ कि आप तो 31 मई को ही दे दो, तो वो क्या बोलेंगे कि जाके मैडम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा था मैं उस हिसाब से चलूंगा, आपके हिसाब से नहीं चलूंगा, वो ऐसा बोलेंगे।
तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है वो उसके हिसाब से चलता है, वो मास्टर के हिसाब से नहीं चलता है। तो ये तीनों जो डिफरेंसेस हमने देखे, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लीजिए, इसमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट कैसा होना चाहिए? कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्वेंट इज सेट टू बी एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ द रॉन्गफुल एक्ट हैज बीन अथोराइज बाय द मास्टर। अभी हमने ड्राइवर वाली बात करी, जस्सा वाली बात करी, तो वो जो एक्ट कैसा होना चाहिए, जो मास्टर का जो सर्वेंट का जो एक्ट है वो कैसा होना चाहिए, उसके मास्टर ने उसको ऑथोराइज किया है तो ही वो उसके लिए लाइबल होगा। वो उसके पर्सनल कैपेसिटी के जो एक्ट किया है उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। सेकेंड हमने क्या देखा, द मोड इन विच द अथोराइज एक्ट हैज बीन डन, ये कैसा होना चाहिए, रॉन्गफुल एंड अनऑथोराइज होना चाहिए। इट इज अ जनरल रूल दैट मास्टर विल बी लाइबल नॉट मेयरली फॉर वॉट ही इज ऑथोराइज द सर्वेंट टू डू बट ऑल्सो फॉर द वे इन विच ही डज द ऑथोराइज टू डू। देखो उसने क्या किया, जो ऑथोराइज एक्ट किया है वो क्या किया है, अनऑथोराइज वे से किया है। तो अगर सर्वेंट का जो वे है वो अनऑथोराइज वे है तो उसके लिए भी सर्वेंट क्या होगा, लाइबल हो जाएगा। मेन इंसिडेंट्स ऑफ मास्टर्स लाइबिलिटी, तो देयर आर सिक्स प्रिंसिपल वेज इन विच मास्टर्स बिकम लाइबल। सबसे पहला है, रॉन्ग कमिटेड बाय द सर्वेंट मे बी द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग डन बाय हिम इन द ऑर्डिनरी केयर ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो कॉन्सिक्वेंस है वो कैसा होना चाहिए, नेचुरली वो क्या करता है, रोज ऐसा काम करता है, रोज वो आता है और झाड़ू पोछा लगाता है, रोज का काम है उसका, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस कैसा होना चाहिए, वो ऑर्डिनरी केयर वो करता है, रोज उसको पता है कि मुझे क्या करना है, कांच के बर्तन को क्या करना है, ध्यान से मुझे ऑर्डिनरी केयर में रखना है। तो उसका जो एक्ट है वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, ऑर्डिनरी केयर वाला होना चाहिए। सेकेंड है, मास्टर विल बी लाइबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ हिज सर्वेंट। अब अगर उसने कुछ नेग्लिजेंस किया है तो उसके लिए भी वो क्या होगा, लाइबल होगा। केस देखते हैं हम, बलदेव राज वर्सेस दियोवती। इसमें क्या होता है, द ड्राइवर ऑफ द ट्रक सेट बाय द साइड ऑफ द कंडक्टर एंड अलाउड द कंडक्टर टू ड्राइव। इसमें क्या है, ड्राइवर साहब खुद बैठ गए और कंडक्टर को ड्राइव करने दिया, तो यहाँ पे क्या है, नेग्लिजेंस है। कंडक्टर कॉज एन एक्सीडेंट विद रिक्शा एंड एज अ रिजल्ट रिक्शा पैसेंजर क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। इट वॉज हेल्ड दैट द एक्ट ऑफ द ड्राइवर इन परमिटिंग द कंडक्टर टू ड्राइव द व्हीकल, ये भी क्या होगा, उसका मास्टर क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा, विकेरियसली लाइबल, मास्टर विल बी लाइबल हियर। थर्ड है हमारा, सर्वेंट्स रॉन्ग मे कंसिस्ट इन एक्सेस ऑफ द मिस्टेकन एग्जीक्यूशन ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। अब मुझे जो है लॉफुल अथॉरिटी क्या दी थी, जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल एक सर्वेंट हूं मैं और मुझे बोला कि आप 100 रुपए तक का क्या कर सकते हो, 100 रुपए तक का काम कर सकते हो, ये मेरे जुरिस्डिक्शन में लॉफुल अथॉरिटी है। बट मुझे, मैंने इसको क्या कर लिया, मिस इंटरप्रेट कर लिया और मैंने उसको 1000 रुपए समझ लिया। तो अगर मैं अपना क्या कर रही हूँ, एक्सेस कर रही हूँ कुछ मिस्टेकन में, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, उसका मास्टर उसके लिए लाइबल हो जाएगा। फोर्थ है हमारा, रॉन्ग मे बी विलफुल रॉन्ग। रॉन्ग कैसा होना चाहिए, विलफुल रॉन्ग, बट डूइंग ऑन द मास्टर्स बिहाफ एंड विद द इंटेंशन ऑफ सर्विंग हिज पर्पस। रॉन्ग कैसा होना चाहिए, विलफुल रॉन्ग होना चाहिए, रेकलेसनेस होना चाहिए। फिफ्थ है हमारा, रॉन्ग मे बी ड्यू टू सर्वेंट्स फ्रॉडुलेंट एक्ट, अगर उसने कुछ फ्रॉड किया है तो भी वो लाइबल होगा। ये सारे हमने क्या देखे, प्रिंसिपल्स देखे जो कि विकेरियस लाइबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, विकेरियस लाइबिलिटी का है। एक सेकेंड दीजिए, कितना बचा है ये, ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं। विकेरियस लाइबिलिटी में एक और टॉपिक क्या देखते हैं आप लोग, गवर्नमेंट लाइबिलिटी इन टॉर्ट्स, विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट पोजीशन इन इंग्लैंड। अब अपन इंग्लैंड की बात करते हैं, तो इंग्लैंड में क्या बोलता है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। इंग्लैंड में क्या बोलता है कि जो किंग है वो कभी भी क्या कर सकता है, कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता है।
यहाँ पे क्या मैक्सिम चलता है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग एंड एज सच क्राउन कुड नॉट बी सूड फॉर द टॉर्टियस एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट। और फिर क्या बोलते हैं कि अगर उसने कुछ इसके सर्वेंट ने कुछ गलत काम किया है तो उसके लिए क्राउन को हम क्या कर सकते हैं, पनिश नहीं कर सकते, यह है इंग्लैंड का रूल। द इंडिविजुअल रॉन्ग डूअर दैट इज द ऑफिशियल वॉज पर्सनली लाइबल फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय हिम इवन वेन द रॉन्ग वॉज एक्चुअली ऑथोराइज बाय द क्राउन और वॉज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। विद द ऑब्जेक्ट इन व्यू द क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947 वॉज पास। अब क्या हुआ था, कौन सा एक्ट पास हुआ, द क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 एंड नाउ लाइक प्राइवेट एम्प्लॉयर द क्राउन इज लाइबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाई इट्स सर्वेंट्स। और इस एक्ट के आने के बाद क्या हो गया, क्राउन भी क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया। अभी क्या बोल रहा है, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट डन बाय माई सर्वेंट्स। ये एक्ट आने के बाद, क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947 आने के बाद ये पोजिशन, ठीक है। हाँ अब इंडिया में क्या पोजीशन है, ये तो हमने इंग्लैंड का देख लिया, इंडिया की क्या हालचाल है। आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है, हैज स्टेटेड दैट लीगल पोजीशन ऑफ द स्टेट रिगार्ड्स इट्स लाइबिलिटी। अगर किसने क्या किया है, कोई टॉर्टियस एक्ट किया है ऑफ इट्स सर्वेंट, तो क्या होगा, मास्टर उसके लिए क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। बिल्कुल निर्भय जी, द आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्यू और बी स्यूड। हम ये आर्टिकल क्या बोलता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्यू कर भी सकती है और बी स्यूड इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट बाय द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट टू एनी प्रोविजन विच मे बी मेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और वर्च्यू ऑफ द पावर। दस यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स क्या है, ये क्या है, जुरिस्टिक पर्सन है, ये क्या है, लीगल लीगल पर्सनैलिटी में आते हैं ये बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 300। अब ये इम्पोर्टेंट केस है, इम्पोर्टेंट केस, इसको नोट कीजिए। इज एवरीथिंग क्लियर नाउ, कीर्ति इज वंदना, एवरीथिंग कीर्ति क्लियर नाउ। वर्धन जी, पता नहीं कैसे एकदम से बफर हो गया, बफर होने लगा था और सेशन शायद स्टॉप हो गया था। कहाँ तक अपन किया था, वापस से इसको, हाय गुड नाइट, ओके कीर्ति जी। कहाँ तक किया था पढ़े, इट्स क्लियर नाउ। चलो अब सारी चीजें क्लियर है, पर केस करते हैं, पहले केस डिस्कस नहीं किया था। इस केस में क्या हुआ था, POSNS केस भी इसको बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, प्लेंटिफ हॉर्स वॉज इंजर्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट। प्लेंटिफ का जो हॉर्स था, प्लेंटिफ का जो हॉर्स था उसको क्या किया था, इंजर्ड किया था बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स थे उनकी वजह से, दिस वर एंगेज्ड एट द टाइम ऑफ द इंजुरी इन कैरिंग अलॉन्ग द पब्लिक रोड हैवी पीस ऑफ आयरन फॉर बीइंग प्लेस्ड ऑन अ बोर्ड ऑफ स्ट्रीमर। ये क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा भारी वाला जो आयरन रहना वो लेके जा रहे होते हैं पब्लिक रोड पे, उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्लेंटिफ के जो हॉर्स है उसको क्या पहुंच जाती है, चोट पहुंच जाती है। प्लेंटिफ फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस। इन्हें बोला कि मेरे घोड़े को क्या हुआ है, आपके वो इतना बड़ा आयरन लेके जा रहे थे उसकी वजह से क्या हो गई, चोट लग गई है, तो मुझे क्या चाहिए, डैमेजेस चाहिए। इसमें क्या हेल्ड किया था, गवर्नमेंट वॉज लाइबल, गवर्नमेंट को क्या किया था, लाइबल माना गया था। एज द एक्ट इन क्वेश्चन वॉज नॉट बींग डन इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी गवर्नमेंटल या फिर सोवरन
इसमें जस्टिस कौन थे? पिकॉक। ये काफी इम्पोर्टेंट है कि इसमें इम्पोर्टेंट है ये जस्टिस पिकॉक। इसमें ऑब्जर्व किया था, देयर इज अ ग्रेट एंड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्ट्स डन इन द एक्सरसाइज ऑफ वॉट आर यूजुअली टर्म्ड एज सोवरेन पावर्स। सोवरेन पावर्स के अंदर अगर कोई एक्ट करता है तो उसको डिफाइंड किया था, और कंडक्ट ऑफ अंडरटेकिंग विच माइट बी कैरिड ऑन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स विदाउट हैविंग सच पावर्स डेलीगेटेड टू देम। वेयर द एक्ट इज डन और कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर इनटू इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स यूजुअली कॉल्ड सोवरेन पावर्स दो एक्शन विल लाई। अगर क्या कर रहा है कोई जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, सोवरेन पावर का एक्सरसाइज कर रहा है, तो फिर क्या होगा उसके ऊपर कोई एक्शन क्या होगा, लाए नहीं होगा। इन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती में क्या हुआ था? ड्राइवर ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट जीप विच वॉज मेंट फॉर द यूज ऑफ द कलेक्टर। ये जीप किसकी थी? कलेक्टर साहब की जीप थी, जिसको क्या करके ले गए अपन रिपेयर शॉप पे ले गए टू द कलेक्टर्स रेसिडेंट, और वे ओइंग टू द रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग अ पेडेस्ट्रियन वॉज नॉक डाउन। एक पेडेस्ट्रियन था, वो बेचारा पैदल चल रहा था, उसको क्या कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया जब उसको वो रिपेयर शॉप पे ले जा रहे थे, और उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। द विडो ऑफ द विक्टिम स्यूड। अब विडो ने क्या किया, गवर्नमेंट को क्या किया, क्यों किया? गवर्नमेंट ने हेल्प किया कि स्टेट गवर्नमेंट वॉज विकेरियसली लाइबल। स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा, लाइबल होगा, क्योंकि जस्ट वो किसकी थी, कलेक्टर साहब की गाड़ी थी और वो रिपेयर पे जा रही थी, और फिर वो एक्सीडेंट कॉज हो गया है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी, यहाँ पे लाइबल होगी। इकबाल कौर वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये भी इम्पोर्टेंट, मार्क कीजिए इसको भी। एन एक्सीडेंट अकर्ड ड्यू टू द नेग्लिजेंट ड्राइविंग बाय द ड्राइवर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ड्राइवर था ये, और इसने क्या किया, एक ट्रक के साथ क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया इसका। इसमें भी क्या बोला गया था, द एक्ट डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन पावर। इसमें क्या बोला था कि वो जो एक्ट था वो क्या था, सोवरेन पावर के अंडर नहीं था। एट द यूनियन ऑफ इंडिया वॉज लाइबल फॉर डैमेजेस। इसमें क्या होगा, यूनियन ऑफ इंडिया क्या होगी, लाइबल होगा। अगर सोवरेन पावर में एक्सरसाइज किया है तो लाइबल नहीं होगा। सोवरेन पावर में क्या होता है, गवर्नमेंट लाइबल नहीं होती है, और अगर नॉर्मली किया है तो फिर वो क्या होगा, लाइबल होगा। वही वाला उसमें उस केस में आया था, यहाँ पे सोवरेन पावर नहीं था, इसलिए यूनियन ऑफ इंडिया क्या हो जाएगी, लाइबल हो जाएगी। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस पुलिस कमिश्नर के केस में क्या हुआ था? ये सारे केस लॉस काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट वॉज ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। स्टेट को क्या करना पड़ा था, कंपनसेशन पे करना पड़ा था विक्टिम्स को। क्यों करना पड़ा था, क्योंकि उसने क्या किया था, फायरिंग करी थी। पुलिस फायर्ड विदाउट एनी वार्निंग। पुलिस ने क्या किया, ओपन फायरिंग कर दी और कुछ वार्निंग भी नहीं दी, तो इसे क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्ली फॉर रिव्यू। अब इंग्लैंड में क्या हुआ था, ये क्राउन एक्ट आने के बाद क्या हो गया, लाइबल हो गया। इट इज नो डिफेंस फॉर द स्टेट दैट द टॉर्ट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट वाज इन डिस्चार्ज ऑफ द ऑब्लिगेशन। और इंडिया में क्या है, सेम कंसिडर किया है, सेम कंसिडर टू बी डिफेंस द नंबर ऑफ केसेस। हाउएवर इन ऑर्डर टू एग्जम्प्ट द स्टेट फ्रॉम लाइबिलिटी इट इज फर्दर नेसेसरी दैट स्टेटरी फंक्शंस क्या होना चाहिए, फंक्शंस कैसे होना चाहिए, स्टेटरी फंक्शंस विच आर एक्सरसाइज बाय गवर्नमेंट बाय वे ऑफ डेलीगेशन। अगर क्या है, किसी डेलीगेशन से उसको वर्क क्या किया, डेलीगेट किया गया है, तो उसमें क्या होगा, टॉर्टियस एक्ट कमिटेड बाय सर्वेंट वॉट इज डिस्चार्ज ऑफ लॉ सॉवरेन फंक्शन, तो दाए स्टेट वुड बी लाइबल फॉर द सेम। ये कस्तूरी लाल का केस में आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। कस्तूरी लाल में क्या होता है, नॉन सोवरेन फंक्शन वो कर रहा था और वो डाई हो जाता है, तो भी क्या होगा, स्टेट लाइबल होगा।
कस्तूरी लाल के केस में क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हैड एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन एट द प्रिवलिंग पोजिशन एंड सेड दैट द रेमेडी टू क्योर दिस पोजिशन लाइज इन द हेड ऑफ द लेजिस्लेचर। टीवी नागेंद्र राव के केस में क्या बोला था, अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन टू रिमूव डाई अनसर्टेनिटी इन हिज एरिया। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को क्या बोला, एम्पावर किया कि आप क्या बना सकते हो, लॉ बना सकते हो। इसके बाद क्या आया, ये आर्टिकल 300 आया। अब सोवरेन फंक्शंस, द फॉलोइंग आर द इंस्टेंस ऑफ सोवरेन फंक्शंस। सोवरेन फंक्शंस क्या है और क्या नहीं है वो अपन देखेंगे। मेंटेनेंस ऑफ द डिफेंस फोर्स दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द मिलिट्री रोड, क्या बन रही है मिलिट्री वालों के लिए, क्या बन रही है रोड बन रही है, तो वो क्या है सोवरेन फंक्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिल्स टू द आर्मी पर्सनल और ड्यूटी, अगर क्या कर रहा है कोई खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो भी क्या होगा सोवरेन फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। पक्षी अमरीक सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या किया था, हेल्ड दैट चेकिंग ऑफ द आर्मी पर्सनल ऑन ड्यूटी फंक्शन इंटीमेटली कनेक्टेड विद आर्मी डिसिप्लिन, इसको क्या किया था सोवरेन फंक्शन कैटेगरी में काउंट किया था। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अब अगर कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कर रहा है तो वो भी सोवरेन फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या कर रहा है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है लॉ को मेंटेन करने के लिए क्या कर रहा है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कर रहा है। एज ए ऑर्डर दैट इज इफ डाई प्लेंटिफ इज इंजर्ड बाय पुलिस पर्सनल आर डिस्पर्सिंग अनलॉफुल क्राउड, इसमें क्या होता अनलॉफुल क्राउड को क्या करता है वो डिस्पर्स कराता है और पुलिस ऑफिसर क्या हो जाता है डेथ हो जाती है उसकी। या फिर प्लेंटिफ लाउड स्पीकर सेट इज डैमेज व्हेन द पुलिस मेक्स लाठी चार्ज, तो ये सब क्या आएगा स्टेट ऑफ एमपी, इसमें ये सब में भी आएगा। और मैम बिहार प्री में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे कभी। आशु जी देखिए, कल हमने पीवाईक्यूज डिस्कस करे थे, उस पीवाईक्यूज डिस्कस करे थे उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बट आजकल क्या है अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाती है, इसलिए सारी चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं सारी चीजों को कवर कर रहे हैं कि अगर कुछ भी आ जाता है आपके एग्जाम में तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो आपके पीवाईक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको मैं क्या है ज्यादा इम्फेसिस दे रही हूँ। ठीक है द फॉलोइंग आर द इंस्टेंसेस ऑफ नॉन सोवरेन फंक्शंस, अब सोवरेन फंक्शन से नॉन सोवरेन फंक्शन से एमसीक्यू बन सकता है इसलिए मैं आप लोगों को इस पे इम्फेसिस कर रही हूँ। चार ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कि बताओ इसमें से सोवरेन फंक्शन कौन सा है और नॉन सोवरेन फंक्शन कौन सा नहीं है, थोड़ा सा भी अगर पेपर टफ को बनाना रहा तो। नॉन सोवरेन में कौन कौन से आ जाएगा, पी एंड ओ स्टीम नेविगेशन कंपनी, मेंटेनेंस ऑफ डॉकयार्ड वाला केस, ट्रक बिलोंग टू द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कैरिंग मटेरियल, इसमें क्या बोला गया था कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड ब्रिज कर रहे हैं श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। कितने लेक्चर और होंगे, बस दो तीन लेक्चर्स और होंगे इसके। गवर्नमेंट जीप कार जो वाला जो ये है जो कलेक्टर का यूज का था, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्वजीत, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, इसमें क्या किया था टेकिंग एलिक चिल्ड्रन टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये सारे नॉन सॉवरेन वाले हैं। पुष्पा पुष्पा ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सत्यवती देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इकबाल इकबाल सिंह वाला केस, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुगार सुगा सुगरा बाई, इसमें क्या होता है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मशीन एंड अदर मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल में क्या करे ट्रांसपोर्ट करे, रूपलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कैंप फायर वाला है ये।
मिलिट्री जवान से रिलेटेड है। हाँ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। ये कंप्लीट हो गया विकेरियस लाइबिलिटी का टॉपिक अपना, कंप्लीट हो गया। अपन ने क्या क्या देखा, विकेरियस लाइबिलिटी देख लिया, विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट वाला टॉपिक देख लिया, और जनरल डिफेंसेस अपने कंप्लीट। ठीक है मैम, जुरिस्प्रूडेंस भी करवा दीजिए प्लीज, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जुरिस्प्रूडेंस में आपको बताती हूँ, एक सेकेंड बता रही हूँ। जुरिस्प्रूडेंस बिहार में जुरिस्प्रूडेंस नहीं है क्या मैम? जुरिस्प्रूडेंस भी करवा दीजिए प्लीज। कीर्ति जी, ये बिहार में है क्या जुरिस्प्रूडेंस? अभी हम एक्चुअली बिहार पे फोकस कर रहे हैं, बिहार का एग्जाम है इसलिए। चलिए तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे अपन, तब तक कीर्ति जी रिप्लाई कर देते हैं तो। कल कौन सा टॉपिक करेंगे अपन? नेग्लिजेंस वाला टॉपिक करेंगे कल अपन। चलिए मैम है आएगी, ठीक है मैं एक बार चेक कर लूंगी उसको, मैं चेक कर लूंगी, अगर वो होगा तो उसको भी हम कवर कर रहे हैं। बिहार का जो पूरा सिलेबस है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, YT पे पूरा कवर कर। ठीक है तो अभी वाइंड अप करते हैं इस सेशन को, ये वाले सेशन को वाइंड अप करते हैं। कल अपन सेम टाइम पे मिलेंगे, 9 बजे मिलेंगे, टॉर्ट की क्लास में हम मिलेंगे। आगे का अपन नेग्लिजेंस वाले टॉपिक से अपन उसको कवर करेंगे, ठीक है? और कल 4 बजे अन अकेडमी का जो ऐप है वहाँ पे फ्री क्लासेस होती है, वहाँ पे मैं पॉक्सो का रैपिड रिवीजन लेने वाली हूँ। तो अगर आपको वहाँ उससे भी जुड़ना है तो आप जुड़िएगा। और 7:30 पे कॉन्स्टिट्यूशन के हम क्या करेंगे, MCQs करेंगे। ये सारी चीजें हम अन अकेडमी के फ्री क्लासेस में करें, अन अकेडमी की फ्री क्लासेस में। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हर्षा महाजन जुडिशरी वर्ल्ड आप डालिएगा, या तो @हर्षा महाजन मैम डालिएगा टेलीग्राम पे, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको मेरी सारी क्लासेस की अपडेट मिल जाएगी। ठीक है थैंक यू कीर्ति जी फॉर योर अप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच। ठीक है तो वाइंड अप करते हैं सेशन को, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुशियाँ बांटते रहिए, बाय बाय।